हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप अच्छे हो। और अभी के सुबह के बज रहे हैं 9 और हम निकल रहे हैं यहाँ से बनारस। अचानक प्लान बन गया, बनारस जा रहे हैं और अभी हम लोग निकलते हैं। और अभी घर से बस पानी का बोतल ले रहे हैं और यहाँ से निकलते हैं बाय रोड। पानी ले लिए और निकल रहे हैं यहाँ से, घर से बाहर निकल रहे हैं। और बाहर में गाड़ी लगा हुआ है जो कि मेहमान जी आ गए हैं। चलिए फटाफट बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ से। फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और अभी बैठ गए हम लोग गाड़ी में। और सब हम लोग चार जन हैं, चारों जन जा रहे हैं। भोले बाबा बुला रहे हैं इस समय। अचानक प्लान बन गया, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बनारस। और आप लोग चलिए दिखाते हैं, आप लोग को भी टूर कराते हैं बनारस का। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए निकलते हैं यहाँ से, चला जाए सर जी। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, कुछ आगे निकल गए हम लोग घर से। और अभी हम लोग शिवाला पे हैं, दानापुर स्टेशन पार कर गए, फुलवाड़ी से पार कर गए हैं। कुछ देर में पहुँचेंगे बेटा और उसके बाद कोयलोर आपको दिखाते हैं, सोन नदी। देखते हैं कितना पानी उसमें आया हुआ है। गाइस ये आप देख सकते हैं, हम लोग अभी कोयलोर पुल पे आ गए हैं जो कि सोन नदी पे बना हुआ है। और ये पुराना वाला पुल है जो आपको दिख रहा होगा दूर में, उसमें रेलवे और बाई रोड दोनों था, रोड भी था नीचे से, ऊपर से रेलवे लाइन है। और ये अभी नया वाला रोड है जो कि अभी नदी में आप देख सकते हैं हल्का फुल्का पानी आया है। और अभी कुछ दिन बाद इसमें भरा हुआ पानी मिलेगा क्योंकि अभी पूरा तरह से बारिश नहीं हुई है, इसके कारण से इसमें अभी पानी कम है। और ये अभी आप देख सकते हैं रोड, आप सिनेमैटिक चेक करें। आप यहां पे देख सकते हैं जो कि हम लोग आरा से बक्सर वाल रोड पे अभी हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पे अभी रोड देख सकते हैं कितना जबरदस्त और खूबसूरत बना हुआ है। ये आपको पूरा आपको बक्सर तक मिलेगा और मोहनिया तक मिलेगा जो कि बीच से कट जाता है मोहनिया जाने के लिए। फाइनली हम लोग यहाँ बक्सर से निकल गए हैं और फाइनली हम लोग यूपी में अब घुसने वाले हैं। और ये आप देखिए जो नीचे में आपको पुल दिखा वो सबसे पुराना वाला पुल है और ये नया बना है। ये बक्सर और यूपी का बॉर्डर बीचों बीच नदी में पड़ता है। फाइनली हम लोग यूपी में आ गए हैं, आप यहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं। और हम लोग का खुशी अभी बहुत ज्यादा है। हम लोग अभी यूपी बॉर्डर में जस्ट एंट्री ले लिए हैं और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं सीधे काशी विश्वनाथ। और भाई जी को देखिए हम लोग के आगे लगा दिए हैं टोटो टोटो रिक्शा। और यहाँ पे बॉर्डर पे बहुत ज्यादा चेकिंग है। अब बिहार वाले सुन लो, बॉर्डर से एक भी दारू पार नहीं होना चाहिए, पहले जान लो। किधर ये साइड, ये साइड, लेफ्ट साइड। और यहाँ से पार नहीं दारू होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त चेकिंग है। और आप धराते हैं तो पहले गाड़ी में आप दारू ले जाइएगा तो गाड़ी आपका जब्त होने वाला है। और दूसरा में आप दारू पी कर भी जा रहे हैं तो आपको कम से कम 5,000 का आपको चलान पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए दारू पीकर आप बिहार में एंट्री ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। और ये आप चेक कर सकते हो, हम लोग अभी यूपी में आ गए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग सीधे काशी विश्वनाथ। और चलते हैं अभी, आप पूरा रास्ता है आप लोगों को दिखाते हैं। हर हर महादेव। बारिश पूरा कस के हो रहा है इधर और हम लोग को गाड़ी अभी धीरे धीरे ही चलेगा। गाइस फाइनली गाड़ी हम लोग को पार्किंग में लग गया है और हम लोग यहाँ पे काशी विश्वनाथ के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप हम लोग काशी विश्वनाथ के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये आप टोटल चेक कर सकते हैं कि हम लोग ये जा रहे हैं जहाँ पे आप दोनों साइड का बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि जो कि भगवा रंग में रंगा गया है। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है अभी के डेट में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप पीछे साइड में देख सकते हो यूपी पुलिस का जमावड़ा पूरा लगा हुआ है, कोई वीआईपी आने वाला है। आप मस्जिद के बारे में सुन रहे होंगे जो कि मस्जिद आपको सामने इसी के जस्ट पीछे में नियर में है, पीछे उसके बाद है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। ये आप देख सकते हैं जो हल्का हल्का दिख रहा है जो वही मस्जिद है, उसके पीछे ज्ञान बापी मस्जिद के पीछे वो मंदिर है जो कि इसमें दोनों साथ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जो कि मंदिर पे आपका कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है मस्जिद को। इसी के लिए अभी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई चला जा रहा है। और ये आप चेकआउट कर सकते हैं जो कि ये दिख रहा है और यही ज्ञानापी मस्जिद है और उसके जस्ट पीछे मानी मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बना दिया गया है।
गाइस ये आप देख सकते हो कि हम लोग दशरथ समेत घाट जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। देखिए होता है तो आप लोग को दिखाते हैं, और वहाँ हम लोग पहुँच पाते हैं तो दिखाते हैं। और ये आप चेक कर सकते हो कि दोनों साइड जो बिल्डिंग है अभी तक का, हम लोग वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर चले गए हैं और चल चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साइड का बिल्डिंग जो अभी भी है, और ये आपका भगवा रंग में ही रंगा गया है। मैंने काशी विश्वनाथ का जो मंदिर में इर्द गिर्द जितना भी है 2 किलोमीटर के अंदर में आपका भगवा रंग ही बिल्डिंग मिलेगा। और अभी हम लोग चलते हैं गंगा आरती के लिए। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे घाट पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा आरती के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, और माँ गंगा जी की आरती का हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आरती देखने के लिए रेडी हैं, जो कि यहाँ पे आरती होगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बोट से भाई लोग देखने वाले हैं गंगा आरती। और यहाँ गंगा जी का आप देखिए कहर, क्योंकि एकदम पूरा ये साइड से लेके वो साइड तक पूरा भरा हुआ है। हम लोग यहाँ पे ऊपर में आए हुए हैं इंसान भैया का रेफरेंस से, जो कि हम लोग ऊपर आने के अलाउ नहीं है पब्लिक की। हम लोग किसी के थ्रू से आए हुए हैं, इंसान भैया जी का रेफरेंस से आए हुए हैं। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, और नीचे बोर्ड पे आप देख सकते हैं जो गंगा आरती देखने के लिए वेट कर रहे हैं लोग। और यहाँ गंगा जी आपको पूरा भरे हुए हैं, और नीचे जो लोग हैं यहाँ बोट से आए हुए, और ये आप लोग गंगा आरती के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जो कि कुछ देर में गंगा आरती स्टार्ट होने वाला है। गाइस फाइनली हम लोग आरती नहीं देख पाए, और यहाँ पे पानी कैसे पड़ने लगा है, इसी कारण हम लोग निकल गए हैं और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जो पहले का वीडियो जिसमें से आप लोग को आरती का कुछ वीडियो आप देख सकते हैं, और अभी जो पानी पड़ने के कारण हम लोग यहाँ से निकल गए थे। गाइस हम लोग को मंदिर नहीं जाना दिया गया मोबाइल लेकर, इसलिए हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं इसका कॉरिडोर पूरा जो है, और इसके जो पीछे जो भी दिखाएं वो मंदिर है, मेन मंदिर। और अभी पानी पड़ रहा है, आप देख सकते हैं नीचे में, और निकलते हैं यहाँ से बाहर तो आपसे बात करते हैं। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे मुगल सराय पहुँच गए हैं, और हम लोग मंदिर से निकले थे तो पानी पड़ रहा था, और मंदिर में ऐसे समय पानी पड़ रहा था इसलिए अंदर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम अंदर में मोबाइल नहीं लेके गए। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अभी हम घर के लिए रिटर्न हो रहे हैं, और अभी हम मुगल सराय में स्टे किए हुए हैं। यहाँ से कुछ देर में हम लोग निकलने वाले हैं, पानी पड़ने के कारण हम लोग अंदर का वीडियो नहीं बना पाए, और प्लस में गंगा आरती भी होने वाला था तो पानी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। इसके वजह से हम लोग वीडियो वहाँ का नहीं बना पाए हैं, इसलिए सॉरी। और आप लोग चेकअप कर सकते हो इधर। गाइस फाइनली हम लोग अब घर जा रहे हैं, और रास्ता में हैं अभी नाइट के बज रहे हैं आपको 3 के आसपास, मॉर्निंग तक हम लोग पटना पहुंच जाएंगे। और यहाँ अभी हम लोग बीच रास्ता में हैं, मोहनिया से आरा वाला जो नया 4 लाइन जो बना है उसी 4 लाइन के बीच में एक पेट्रोल पंप है, वहीं पे हम जस्ट अभी तेल डलवाने के लिए रुके थे, पर यहाँ पे पेट्रोल पंप तो बंद है आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, चलिए बैठते हैं गाड़ी में निकलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं, और ये अभी जस्ट गाड़ी पार्क किए हैं और हम लोग अभी घर पे आ गए हैं, चलते हैं घर में। और आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।